सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा द्विवेदी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हंटर में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी, उसी का आज हम लोग एक चैप्टर 40 है जो कि यूनियन टेरिटरीज़ के नाम है, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और उसको जरा ये दो पार्ट्स में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा ठीक ठाक है, तो इसको दो पार्ट्स में देखेंगे। तो ये पार्ट वन है, इसमें हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे और जानेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जब भी हमारी वीडियोस आए तो उसे एक लाइक ज़रूर दिया करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर यूनियन टेरेटरीज़ को, आगे डिटेल में समझते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझने से पहले ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 1 कहता क्या है। तो आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट मीन्स कि जितना भी हमारे स्टेट्स हैं वो सबके मिलते हैं तभी हमारा एक इंडिया की फॉर्मेशन होती है। यानी कि सबका यूनियन, सारे स्टेट्स का यूनियन ही हमारे जो है इंडिया को फॉर्म करता है, तो जो कि हमारे फेडरलिज्म को भी शो करता है। तो फिलहाल आज हम लोग यूनियन टेरेटरीज की बात करेंगे, जो कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको गवर्न करती है, उसको ज़रा देखते हैं आखिर वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो मेनली हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको 3 कैटेगरीज़ में कंप्राइज़ किया गया है। जो पहली कैटेगरीज आती है वो है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यानी कि वो टेरिटरी जो स्टेट की है यानी कि इंडिया की खुद की है, उनको हम लोग कहते हैं टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। और सेकंड है यूनियन टेरिटरीज़, यानी कि जो खुद में इंडिपेंडेंट है यानी वो अकेले हैं। थर्ड है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जब भी इंडिया की कोई टेरिटरी है जो बाहर फॉरेन जगह से कैप्चर किया गया हो, उन टेरिटरीज़ को जो हम लोग इस थर्ड कैटेगरी में डालते हैं। और यूनियन टेरिटरी क्या है, यूनियन टेरिटरीज़ जो वो उसको भी कहते हैं जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। जिसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है उसमें स्टेट का कोई उसमें लोचा नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रोल करती है। इसलिए इसको हम लोग सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरीज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसे डायरेक्ट सेंट्रल रूल कर रहा है। तो हमने ये समझ लिया कि आखिर ये जो यूनियन टेरिटरीज़ है इनका थोड़ा ग्लिम्स ले लिया कि इसको कंट्रोल कौन करता है और ये कैसे कितने टाइप की होती है। अब ज़रा इसको और आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इन यूनियन टेरिटरीज़ को क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये हुई तो कैसे हुई, इनकी हिस्ट्री क्या रही है, उसको ज़रा समझ लेते हैं। तो ब्रिटिश के टाइम से ही जो हमारा ये यूनियन टेरिटरीज़ थी, इनको पहले तो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से जाना जाता था, यानी जो यूनियन टेरिटरीज आज के समय में प्रेजेंट है और उनको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में थोड़े टाइम बाद इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस के नाम से जाना जाने लगा, चीफ कमिश्नर प्रोविंस के नाम जाना जाएगा। फिर धीरे धीरे टाइम में जब इंडिपेंडेंस हम लोग का जब टेक प्लेस हुआ तो इन सभी को हम लोग पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स में डालने लगे। पार्ट सी पार्ट डी उस टाइम पे क्राइटेरिया बनी हुई थी कि पहले पार्ट ए में कुछ स्टेट्स आते थे, पार्ट बी में आते थे, पार्ट सी में आते थे, पार्ट डी में आते थे। तो इन लोगों जो हमारी उस टाइम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि जो यूनियन टेरिटरीज है उसको हम लोग पार्ट सी और पार्ट डी के अंदर डालेंगे, उन यूनियन टेरिटरीज़ को, ठीक है। अब 1956 में क्या हुआ कि जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उस और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, तो इसके अंदर जो यूनियन टेरिटरीज थे उनको फॉर्म किया गया, उनको उनकी पोजीशन प्लेस की गई, ठीक है। तो ये हो गए इनकी जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखना जरूरी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट में जो है इसको यूनियन टेरिटरीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था, ठीक है। जो कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो आज हमारे स्टेट्स कुछ हैं वो पहले यूनियन टेरिटरीज़ भी हुआ करते थे, जिनको आज स्टेट्स का अहुदा मिल चुका है, जैसे कि है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, जो कि पहले जो थे यूनियन टेरिटरीज़ थे, बट आज उनको स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। तो ये हमने समझ लिया कि आखिर यूनियन टेरिटरीज़ ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ और बन गई, ये पहले ब्रिटिश के टाइम पे इनका कुछ और हिस्ट्री रही है, फिर टाइम बाद चीफ कमिश्नर प्रोविंस के नाम से जाना जाएगा, फिर पार्ट सी में डी में डाला गया, फिर फाइनली 1956 में यूनियन टेरिटरीज़ नाम की चीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई, जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो फिर से हम देखते हैं कि आखिर ये जो यूनियन टेरिटरीज़ थी इनके क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से इनकी फॉर्मेशन हुई। जो पहला कारण है वो है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस, यानी कि जो हमारा, क्योंकि इंडिया इतना वास्ट है, इसकी जो ज्योग्राफी है बहुत ही डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से जो इसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल को मद्देनज़र रखते हुए इनकी फॉर्मेशन हुई। अगर एग्जांपल के रूप में देखें तो दिल्ली और चंडीगढ़, जो कि इनकी फॉर्मेशन मेनली पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन रीजन्स के कारण ही हुई थी।
सेकेंड चीज़ देख लेते हैं वह है कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, यानी कि पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार, इनका जो कल्चरलनेस था यानी कि जो इनकी हेरिटेज और कल्चर थी, ये इनके कारण इनको इंडिपेंडेंट एक दर्जा देना पड़ा गवर्नमेंट को, इसलिए ये कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस कारण ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों यूनियन टेरेटरीज इसके अंदर डाली गई। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से ये मतलब है कि जो हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, जो हमारे इंडिया की शोभा बढ़ाते हैं, और इनका होना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट शो करते हैं, दिखाते हैं, तो ये हमारे लिए किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए ये हमारे स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा है। इसको जो कोई भी फॉरेन कंट्री देखता है तो समझता है कि हाँ ये इंडिया का पार्ट है और ये हमेशा ही रहेगा, जो हमारी इंपॉर्टेंस को और बढ़ाता है। तो ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के तहत ये जो दो आइलैंड्स हैं इनका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ उसके बाद से हम लोगों ने सोचा कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं यानी ट्राइब्स हो गई, जो हमारी शेड्यूल कास्ट, जो अभी भी नहीं उत्तराखंड को केयर मिल पाया है, तो उसको स्पेशल दर्जा देना ज़रूरी था गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट अभी भी जस्ट हुआ है। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि हम लोग इनको भी एक स्पेशल दर्जा दें, यूनियन टेरेटरीज़ का एक पार्ट प्ले करें। तो हमने किसको किन किन को देख लिया, ये भी हम लोग नाम याद कर लेते हैं, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, और ये सारी जो चीज़ें थी इनको हम लोगों ने डाला था पहले इंटरटेन, बाद में इनको स्टेट्स का दर्जा हम लोगों ने इसको दे दिया, ठीक है। तो अब हमने ये चार पॉइंट्स हैं जो कि एम लक्ष्मीकांत में भी डिटेल में बताई भी गई है, इसको ज़रा हम लोग को याद रखना ज़रूरी है प्रीलिम्स में, कहीं क्योंकि किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है आखिर यूनियन टेरेटरीज पे जो पॉलिसीज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ये कैसे बनते हैं, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इन सभी को ज़रा समझ लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं, बस आर्टिकल 239 और 241 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है, और पार्ट एट और आर्टिकल 239 टू 241 ये जो है इसमें डील करता है हमारी यूनियन टेरेटरीज़ कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा इनका और कैसे रोल प्ले करेगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया क्लियर हमारा। अब जो है हर एक यूनियन टेरेटरी जो है प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंगली रूल होती है, यानी कि प्रेसिडेंट के थ्रू रूल की जाती है, ये तो बात ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर, बट प्रेसिडेंट द्वारा एक निर्धारित एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू वो जो होता है रूल किया जाता है। तो ये कोई जरूरी लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट द्वारा रूल किया जाता है वो तो ठीक है, बट जो प्रेसिडेंट होता है अपने हिसाब से एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है, वो एक्चुअली में उसको यूनियन टेरेटरी को रूल करता है। तो ठीक है, तो इसमें लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होता कौन है। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरेटरी इज़ एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि वो एक एजेंट होता है, यानी प्रेसिडेंट का एक एजेंट होता है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और वो गवर्नर की तरह नहीं होता है कि जैसे स्टेट्स के हेड होते हैं, हेड के तरह एक्ट करते हैं गवर्नर, वैसे ही यूनियन टेरेटरीज को उसको हेड हम लोग नहीं करेंगे, बट उसको अपॉइंट किया जाता है कि आप उनको आप देखिए समझिए, बट ही कैन नॉट बी एक्ट लाइक अ हेड, ओके। तो ये चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है हेड की तरह एक्ट नहीं करता है, ठीक है। थर्डली देखते हैं कि जो फोर्थ हमारा टॉपिक है कि जो है प्रेसिडेंट जो है उसको कुछ डेजिग्नेशन दे सकता है, ठीक है। तो डेजिग्नेशन एडमिनिस्ट्रेटर के भी दो टाइप के हैं, एक है लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, ये तीनों नाम से भी बुला सकते हैं। ये जो अलग अलग टाइप की डेजिग्नेशन होती है एडमिनिस्ट्रेटर की, जिनके उसके हिसाब से उनके उनके जो कार्य होते हैं वो करते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक्चुअली कौन कौन रोल प्ले, एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली में कौन करता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, या लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट चीफ कमिश्नर, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो फिलहाल में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कहाँ कौन कौन सी यूनियन टेरेटरीज में प्रेजेंट है। तो वो प्रेजेंट है हमारे दिल्ली, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये तीन जगहों पर अभी फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेजेंट है, जो इनको यूनियन टेरेटरीज को डायरेक्टली गवर्न करता है, उसको जो है पूरा असेंबल करता है। अब अगला चीज़ है एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ पर है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रेजेंट है तो हमारे चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप, इन जगहों पे जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट और क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट जो है ये भी कर सकता है कि जो गवर्नर है स्टेट का उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकता है यूनियन टेरेटरी का, यानी कि उस स्टेट का गवर्नर तो रहेगा ही, साथ ही साथ वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है किसी भी ज्वाइनिंग यूनियन टेरेटरी का। तो ये एक पावर गवर्नर, अब हम लोग गवर्नर चैप्टर में भी इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर गवर्नर के पावर्स में क्या होती है, उन्हीं पावर में से एक पावर ये भी है, तो उसको हम लोग याद रखना जरूरी है कि ये घुमा फिरा के पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि इनकी पावर कैसे शेयर की जाती है। तो फ्रेंड्स हमने ये यहाँ तक डिस्कस कर लिया, और आगे बढ़ते हैं। जो यूनियन टेरेटरी थी पुडुचेरी की 1963 में,
ये जो फॉर्मेशन हुई और दिल्ली की 92 में इन लोगों को क्या हुआ, इन लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड की गई, यानी कि इनका खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था, चीफ मिनिस्टर्स इनको प्रोवाइड किए। जैसे कि आप देखते हो दिल्ली के इंडिपेंडेंट इलेक्शंस होते हैं उसका खुद का चीफ मिनिस्टर भी है, वैसे ही सिमिलरली पुडुचेरी और पुडुचेरी का भी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। बट जो रिमेनिंग 5 यूनियन टेरिटरीज हैं उनको ये नहीं दिया गया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उन और उनको ये पावर नहीं दी गई। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम जैसे कहें कि हमने दिल्ली को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली दी, उसका खुद का चीफ मिनिस्टर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट हो गया या प्रेसिडेंट हो गया, इनका जो सुप्रीम कंट्रोल है वो ख़त्म हो जा रहा है इन पे। ये ख़त्म नहीं हुआ, वो जो है अभी भी पार्लियामेंट किन किन हिस्सों पे अपना डिसीजन ले सकता है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉस ऑन सनी सब्जेक्ट ऑफ द लिस्ट इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट और यूनियन टेरिटरीज। जो इन स्टेट लिस्ट है उस पर पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है आसानी के साथ, ठीक है। और कुछ पावर ऑफ पार्लियामेंट और भी एक्सटेंड करती है पुडुचेरी एंड दिल्ली विच हैव देयर ओन लोकल लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का पावर जो है पुडुचेरी और दिल्ली पे कुछ मैटर्स पे जो है अभी भी आगे रहती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली है ये क्या कर सकती है, ये भी कुछ ऐसा कर सकती है जो पार्लियामेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये क्या कर सकती है कि एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, कोई भी काम जो स्टेट लिस्ट के हक में है या फिर जो पब्लिक एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड एंड द कंक्रेट लिस्ट, ये इन चारों चीज़ों पे जो है पार्लियामेंट का डायरेक्ट रोल होता है, पार्लियामेंट जो है ये कंट्रोल करेगी। बट जो दिल्ली की गवर्नमेंट है या फिर जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो केवल स्टेट लिस्ट पे जो है अपना जो है बना सकती है, अपने लॉस बना सकती है, उस पर उसको कोई रोक टोक नहीं है, उसको इतनी पावर दी गई है, ठीक है। और प्रेसिडेंट के बारे में समझ लेते हैं, प्रेसिडेंट जो है कोई भी चीज़ ऐसे रॉस या फिर कुछ भी ऐसे रेगुलेशंस बना कभी भी बना सकता है, वो उसके लिए फ्री है, उसकी पावर दी गई है उसको कि वो कोई भी रॉस एंड रेगुलेशन बना सकता है जो कि किसी भी यूनियन टेरिटरीज की पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द गुड गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो प्रेसिडेंट ऐसे डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। किसके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन, इन स्पेशल यूनियन टेरिटरीज में जो अभी मैंने बताया इन्हीं पे केवल जो है प्रेसिडेंट जो है रेगुलेशंस अपने बना सकता है वहाँ की शांति और गुड गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अब ऑल्सो द प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट बाय मेकिंग रेगुलेशन बट ओनली द असेंबली इज सस्पेंडेड, ये भी समझ लेते हैं क्या है। प्रेसिडेंट के पास एक और पावर दी गई है कि अगर फॉर एग्जांपल यूनियन टेरिटरीज का जो असेंबली है वो सस्पेंड हो गया या डिसॉल्व हो गया है तो प्रेसिडेंट जो डायरेक्टली जो है वहाँ पे लेजिस्लेट कर सकता है या फिर उसको रूल कर सकता है बाय मेकिंग रेगुलेशन, तब उस टाइम पे उसको कोई रोक नहीं है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब वहाँ की असेंबली सस्पेंडेड हो या फिर डिसॉल्व हो, ये भी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए समझना, ठीक है। और जो रेगुलेशन प्रेसिडेंट बनाता है वो बिल्कुल उतना ही भारी होगा, मतलब उतना ही फोर्स रहेगा जितना एक पार्लियामेंट जो कोई रेगुलेशन बनाता है, यानी कि पावर में कोई कमी नहीं रहेगी। जो प्रेसिडेंट कहा है और जो पार्लियामेंट कहे हैं दोनों की बातें बिल्कुल सेम मानी जाएंगी। एंड कैन ऑल्सो री अपील और अमेंड एक्ट ऑफ इन पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट जो चाहे तो इसको बदलवा भी सकता है और मतलब अपील कर सकता है कि इसको आप ज़रा चेंज कर दीजिए इन रिलेशन टू दोज यूनियन टेरिटरीज, किसी भी यूनियन टेरिटरीज के मामले में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस कर लिया कि प्रेसिडेंट का भी कितना इंपॉर्टेंट रोल है यूनियन टेरिटरीज के डेवलपमेंट में, गोल्स में वो क्या क्या ऑर्डर ले सकता है। ऑल्सो पार्लियामेंट कैन ऑल इस्टेब्लिश हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो एक यूनियन टेरिटरी को हाई कोर्ट की भी व्यवस्था दी जाती है, उसको उसके पास हाई कोर्ट भी मिल सकता है और उनके ज्यूरिडिक्शन के अंदर जितने भी एडजेसेंट स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरी का भी जो हाई कोर्ट के अंदर उसका फैसला लिया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि कौन से ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको हाई कोर्ट प्रोवाइड की गई है और किन किन को नहीं की गई है। तो आपको जहाँ बता दें कि बस केवल दिल्ली ही एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसको एक हाई कोर्ट अपनी खुद की प्रोवाइड की गई है। कब, 1966 से ही जो है इसके पास हाई कोर्ट खुद का प्रेजेंट है। लेकिन जो अभी आप सोच रहे होंगे कि जो ज्यूरिडिक्शन है बाकी यूनियन टेरिटरीज का वो कहाँ पर होता होगा, वो बेसिकली कुछ हाई कोर्ट्स हमारे इंडिया में हैं जो उसको कवर करते हैं। जैसे कि बॉम्बे जो हाई कोर्ट है वो डील करता है ज्यूरिडिक्शन किन किन यूनियन टेरिटरीज का, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो नाम याद रखिए, दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव, यानी DD जो है ये बी से है, यानी कि जितने भी डी वाले हैं यूनियन टेरिटरीज वो बॉम्बे हाई कोर्ट से गवर्न किए जाते हैं, उनको डायरेक्टली ज्यूरिडिक्शन मिलता है। अब बाकी बची यूनियन टेरिटरीज को भी देख लेते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, ये जो है ये सारा का सारा कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर जो है ये आता है, इनकी जो ज्यूरिडिक्शन हो जाती है। पंजाब, हरियाणा, केरला एंड ये सारे के सारे मद्रास हुए हाई कोर्ट में इनको ज्यूरिडिक्शन मिलती है। तो ये हमने समझ लिया कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज को ज्यूरिडिक्शन कहाँ कहाँ मिलती है।
और ये भी समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी सेपरेट प्रोविजन फॉर द एडमिशन ऑफ एक्वायर्ड टेरिटरीज। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो आप है एक्वायर्ड टेरिटरीज के एडमिशन के लिए जो है आप कोई प्रोविजन ऐसा हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। ठीक है सो फ्रेंड्स, तो ये हमारा पार्ट वन था जो कि अभी कंप्लीट हो गया। पार्ट टू में हम लोग देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो दिल्ली को एक स्पेशल मतलब स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या हैं दिल्ली के लिए, और एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरेटरीज़ को भी डिस्कस करेंगे पार्ट टू में। उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम लोग वीडियोज़ को लाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर दिया करें, कमेंट किया करें कि आप हमारे कौन से वीडियोस पर वीडियो चाहते हैं, टॉपिक वीडियो चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।